एनडीए भाजपा की सरकार बने को आज 96 दिन हुए दूसरी बार सरकार बने को, और अगर 3 शब्द इन 96 दिनों की कहानी बयान कर सकते हैं तो वो 3 शब्द हैं दमन, अत्याचार और अराजकता। पिछले 96 दिनों के प्रशासन की कहानी 3 शब्दों में छिपी है, और वो शब्द हैं दमन, अत्याचार और अराजकता। आज सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की का जो वृद्धि दर है वो 5% पर नहीं पर पहुंचा है। आज जो सबसे गंभीर समस्या भारत की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई है वो ये है कि जिस बुनियाद के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी है आज वो बुनियाद खतरे में है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है, द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्ट्रांग, पर आज वास्तविकता ये है कि उस बुनियाद को ही एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसका और एक बहुत बड़ा खतरा है। और उसका कारण यह है कि जब आप भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद की बात करते हैं तो वो बुनियाद क्या है? भारत चीन की तरह सरकारी अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत एक निजी अर्थव्यवस्था है। चाहे भारत का कृषि क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप भारत का औद्योगिक क्षेत्र ले लीजिए, चाहे आप सर्विस सेक्टर को संज्ञान में ले लीजिए। और आज जो निजी निवेशक है, आज निजी निवेशक को भारत सरकार की नीतियों पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं रहा, और इसीलिए सरकारी निवेश को छोड़कर और सरकारी एक्सपेंडिचर को छोड़कर भारत की अर्थव्यवस्था में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। पिछले 5 वर्ष से जो कृषि का क्षेत्र है वो एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। भारत के किसान की जेब में पैसा नहीं है, और इसी यही कारण है कि बुनियादी चीजों के ऊपर भी, खान पान की बुनियादी चीजों के ऊपर भी आज खर्च रोज घटता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, कई बार इस मंच से उसका जिक्र किया गया है, पर भारत की जो कोर इंडस्ट्री है वो सिर्फ 2.1% से बढ़ रही है। सरकार ने पिछले 5 वर्ष में मुद्रा स्कीम का बहुत ढंढोरा पीटा है। अब कुछ तथ्य जो सार्वजनिक हुए हैं उससे ये चीज साफ प्रमाणित होती है कि मुद्रा की जो नीति थी या नीति है ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। मुद्रा की नीति पूरी तरह से असफल रही है, और यही कारण है कि सिर्फ 10% जो ऋण दिए गए हैं वो 10% ही ऋण नए रोजगार को पैदा करने में सक्षम रहे हैं।
90% जो ऋण दिए गए हैं मुद्रा स्कीम के तहत, उससे रोजगार पैदा नहीं हुआ है। कश्मीर की परिस्थिति आपके सामने है, एक महीने से अघोषित आपातकाल से भी खराब परिस्थिति कश्मीर में है। कश्मीर बिल्कुल, जम्मू और कश्मीर बिल्कुल फूटने की कतार पर खड़ा है, और सरकार को कोई अंदेशा नहीं है कि जो उन्होंने नीति अख्तियार की है उसका कितना नकारात्मक परिणाम आगे आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा। वही परिस्थिति असम की है, एनआरसी के ड्राफ्ट के बाद 19 लाख लोगों से ज्यादा स्टेटलेस करार हो गए। आप उसके ऊपर किसी भी शब्दावली का इस्तेमाल कर लीजिए जो बुनियादी तथ्य है वो ये है कि एनआरसी के दूसरे ड्राफ्ट के बाद 19 लाख लोग स्टेटलेस हो गए। अब जो भी कानूनी प्रक्रिया बची है उसके बाद अगर ये आंकड़ा 50% से भी कम हो जाए तो क्या भारत सरकार के पास कोई नीति है कि उन लोगों का क्या करना है जिनको इस प्रक्रिया के बाद भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा? और यही कारण है कि इस कुशासन से लोगों का ध्यान हटाने के लिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर निरंतर और लगातार प्रहार और अत्याचार और दमन किया जा रहा है। डीके शिव कुमार जी की जो गिरफ्तारी हुई है ये इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। डीके शिव कुमार का सिर्फ एक जुर्म था और ये वो ये कि जब गुजरात में राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने असंवैधानिक अलोकतांत्रिक तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको दबाने की कोशिश की तो डीके शिवकुमार ने उनको कर्नाटक में पनाह दी। डीके शिवकुमार का और कोई गुनाह नहीं है। और ये इस बात से प्रमाणित होता है कि 5 साल से अब एनडीए भाजपा सरकार ये दमन और द्वेष की नीति को क्रियान्वित करती रही है। आज तक किसी अदालत ने किसी विपक्ष के नेता को गुनहगार नहीं ठहराया है। अंग्रेजी में कहते हैं कि पर्सिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन में फर्क होता है। सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप पर्सिक्यूशन तो कर सकते हैं पर क्योंकि आपके पास ठोस प्रमाण नहीं है तो आपका आपके जो मुकदमे हैं वो अदालतों में खड़े नहीं हो पाते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस दमन से डरने वाली नहीं है। बड़ा लंबा इतिहास है हमारा, हमने दमन और अत्याचार का पहले भी सामना किया है और भारत के लोकतंत्र को काबिज रखने के लिए जो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका है उसको निभाते हुए हम सरकार की जो खामियां हैं उसको उजागर करते रहेंगे और लोगों को इस सरकार के जो नकारात्मक मंसूबे हैं उनके बारे में हम आगाह करते रहेंगे।
the